गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं राधा आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, अब हम मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि सुबह में हस्बैंड को चाय चाहिए होता है। और दूध वाले भैया भी आ गए हैं, जिनसे मैंने दूध ले लिया है। और पेपर वाले भी आ गए हैं। सुबह सुबह मेरे घर में दूध और पेपर दोनों आ जाती है, क्योंकि हस्बैंड पेपर लवर है। और पेपर लेने के बाद फिर मैं जा रही हूँ, बच्चों को उठा लेती हूँ, क्योंकि उन लोगों को उठाने के बाद ही मैं नाश्ता बनाना जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इन लोगों का भी सुबह में क्लास रहता है। तो देखिए, ये लोग उठना नहीं चाह रहे हैं ऐसे, तो स्कूल जाते हैं तो ठीक डर रहता है इन लोगों को कि सुबह उठना है, लेकिन अभी इन लोग नहीं उठ रहे हैं। तो अब हस्बैंड ही इन लोगों को आवाज़ लगाएंगे, तभी जाकर इन लोगों की आँख खुलेगी। तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ इन लोगों को उठाने के लिए, और फिर अब मैं चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। तो नाश्ता में मैंने सोयाबीन बड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे थायराइड होने की वजह से मुझे कम खाना पड़ता है। तो अब मैंने नाश्ता बना लिया है, रोटी और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे सोयाबीन तो सभी को खाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बच्चों को खासकर ज़रूर खिलाना चाहिए सोयाबीन। और सोयाबीन थोड़ा जल्दी भी बन जाता है सुबह में, तो मैंने इसीलिए रात में ही आलू को बॉईल करके रख लिया था कि जल्दी जल्दी सुबह में मैं बना लूँगी। और अब मैंने सोयाबीन बड़ी को भिगो कर रखा था, और मैंने तेल में डाल दिया है। और फिर जैसे ही ये फ्राई हो जाता है, मैं इसे निकाल लेंगी। और फिर जैसे आप लोग सब्ज़ी बनाते हो वैसे ही बनती है ये भी, ऐसा तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं, नॉर्मल से सब्ज़ी है, तुरंत बन जाएगी। और आज तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं बनाया था, ऐसे ही जल्दी जल्दी मैंने प्याज के साथ ही, प्याज टमाटर और सूखे मसाले के साथ ही मैंने बना लिया था। तो देखिए, अब मेरी बेटी आ गई है ब्रश करके और कपड़ा चेंज करके, तो मैंने उसे एप्पल दे दिया है खाने के लिए, और हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता लेकर जा रही हूँ। तो देखिए, मेरे हस्बैंड नाश्ता ले रहे हैं, और वो तो कभी आते नहीं, आना नहीं चाहते हैं कैमरा में, थोड़ा सा साये टाइप के हैं, तो फिर भी मैंने उनका छोटा सा चुपके से क्लिप ले लिया है। और यहाँ देखिए, मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उसका क्लास है, और बेटा का आज क्लास सस्पेंड है, जिसके वजह से वो अभी क्लास नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ही क्लास सस्पेंड है, साइंस का क्लास था, जो अभी सस्पेंड हो गया है, मैसेज आया था, जिसके वजह से मैं सुबह का रूटीन आपसे शेयर कर पा रही हूँ, वरना फिर मैं नहीं कर पाती, क्योंकि एक लैपटॉप में करता है और एक फ़ोन में करता है, तो मैं फिर किससे करूँगी। हस्बैंड तो चले जाते हैं, देखिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, तो यहाँ पर मेरा गेट छोटा है थोड़ा सा, जिसके वजह से इनको बाइक निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम लोग जब घर बना रहे थे तो सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा, बाइक हम लोग खरीदेंगे। तो हस्बैंड के जाने के बाद मैंने जैसे ही चाय लिया, उसके बाद नल खुल गई, तो हमारे घर में नल थोड़ा पानी जो होता है वो टाइम के अनुसार मिलता है, 1.5 से 2 घंटे मिलते हैं सिर्फ। तो मैंने चाय छोड़ के बोला सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, तो मैंने मशीन लगा दिया है, और कपड़े भी धुलते रहेंगे, और मेरी फिर घर की सारी काम भी होते रहेगी। लेडीज़ लोग का तो होता ही है कि कैसे एक काम एक ही समय में दो दो काम कर लेना। उधर देखिए, मेरा कपड़ा भी धुल रहा है, और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने घर को संवारने के लिए। तो चलिए, जंग लड़ते हैं हम लोग तो खैर रोज़ ही जंग लड़ते हैं, घर का काम समझिए एक तरीके का जंग ही हुआ, क्योंकि पहले इतना शादी से पहले इतना हम लोग काम नहीं करते थे, तब सारा काम हो गया है, नहा भी ली हूँ मैंने। तो अब देखिए, मैं पूजा कर रही हूँ, और मैं शंख रोज़ बजाती हूँ, मुझे शंख की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है, और शंख पूजा करते समय बजाना भी चाहिए, तो मैं रोज़ बजाती हूँ। तो हाय फैमिली, अब जाकर मुझे फुर्सत मिली है, और मैं थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि सारा सुबह से ही मैं काम कर रही थी, और ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में दिख रहा है वही है, और एक्स्ट्रा भी काम होते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारा काम का मैं क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि मेरे बच्चे का क्लास था। एक तो लैपटॉप से कर रही थी जब तक बड़े वाला का नहीं था, लेकिन जब फिर बेटा का भी क्लास स्टार्ट हो गया तो वो फ़ोन से करने लगा,
जिसके वजह से मैं बहुत सारा नहीं ले पाई, वीडियो नहीं बना पाई। तो हम लेडीज़ लोग का बहुत काम होता है, लेकिन फिर भी हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं उन्हें नहीं लगता है कि हम लोग काम करते हैं। खास करके मेरे हस्बैंड तो हमेशा बोलेंगे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग का तो मन हुआ तो बर्तन धोया, नहीं तो छोड़ो थोड़ा देर बाद मैं धोती हूँ, मन किया तो कपड़ा धोई, नहीं तो छोड़ो कल धो लूँगी। ऐसा है नहीं हालांकि, लेकिन उन लोगों को लगता है। तो खैर क्या कर सकते हैं, उन लोगों का सोच, हम लोग तो सारा दिन काम रहता ही है। उन लोगों को तो संडे को छुट्टी, हॉलीडे, फेस्टिवल, सब चीज़ की छुट्टी मिलते रहती है, लेकिन हम लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम लोग को, मतलब हम लोग के लिए लिखा गया है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस खाना बनाना है, बस खाना बनाना, थोड़ा बहुत घर का काम कर दिए, बस यही उन लोगों का सोच यही है। तो फिर मैंने अभी तो दाल चावल चढ़ा दिया है, और फिर देखती हूँ मैं क्या सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये थी मेरी सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन। अभी दोपहर के काम ख़त्म नहीं हुई है, जैसे कि अभी सब्ज़ी बनाना है, खाना देना है, बर्तन धो करके रखना है, उसके बाद कहीं जाकर 2:30-3 बजे छुट्टी मिलेगी मुझे थोड़े देर के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर शाम हो जाएगी, फिर चाय नाश्ता, फिर रात का खाना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत लग रही हो आप लोग को कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए आपका मेरे तहे दिल से धन्यवाद। बाय।